हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे से होंगे। और ये देखो मेरा जो व्लॉग है वो कितने अंधेरे अंधेरे से मैं शुरू हो रहा है। आज लेट इवनिंग व्लॉग शुरू हो रहा है मेरा। एक्चुअली कुछ प्लान नहीं था आज व्लॉग शूट करने का ना। आज मैं थोड़ा सा वो घर का डेकोरेशन वगैरह कर रही थी, तो वो वीडियो आपको मतलब मिल जाएगा। ये काम कर रही थी मैं, और अनवित अभी स्विमिंग करके आया। तो अभी हम लोगों का प्लान हुआ है कि हम लोग जा रहे हैं ओंद। वहाँ पे ना फूड ट्रक है और उसकी तारीफ काफ़ी सुनी है कि देख के आते हैं कि क्या है, तो ट्राई करके आते हैं वहाँ पे क्या क्या है। तो सरों ने वही बोला कि चलो चलते हैं, तो यहाँ से भी हम लोग डायरेक्टली वहाँ जा रहे हैं। और मैंने सोचा कि पुणे के बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं ना, जैसे अप्पू घर का वीडियो डाला था तो उसमें से बहुत लोगों ने मुझसे पूछा, तो अच्छा लगता है कि चलो मेरे व्लॉग के थ्रू कुछ आप लोग शेयर कर देते हैं मेरे साथ चीज़ें, कुछ मैं शेयर कर देती हूँ, तो इस टू वे कम्युनिकेशन ना तो हेल्प हो जाता है हम लोगों का ही। तो मुझे लगा कि अगर अच्छा है और जो लोग मेरी तरह मतलब फूडी, अब तो मैं भी काइंड ऑफ फूडी ही हो गई हूँ सौरभ के साथ रह के, मुझे भी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें ट्राई करने का शौक है ही, तो ट्राई करती हूँ। और आप लोगों के साथ अच्छी बात है। हाँ, पहले उतना नहीं था लेकिन सौरभ के साथ रह के मैं मतलब थोड़ा सा हाँ मतलब डिफरेंट डिफरेंट फूड ट्राई करना मतलब मैंने सीखा है, वरना तो मैं तो ऐसी थी कि चलो कुछ भी खा लिया और हो गया। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, तो सोचा कि चलो आपको भी दिखा देती हूँ और रिव्यू कैसे हैं आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करती हूँ। तो चलिए फिर मैं सीधा आपको मिलूंगी फिर ओंद में, क्योंकि यहाँ से जाने में हम लोगों को आई थिंक 20 मिनट्स तो आराम से लगेगा। मिनिमम 20 मिनट्स लगेगा हमें, यहाँ से ट्रैफिक मिलेगा तो हाफ एन आवर भी लग सकता है हम लोगों को। तो चलिए देखते हैं, हम लोग भी फर्स्ट टाइम ही जा रहे हैं, कैसा है क्या है। तो चलिए तो हम लोग ओंद आ गए हैं, और यहाँ पे अभी हम लोग ढूंढ रहे हैं फूड ट्रक। ना नेम तो हमें पता चला था मैंगी फेरा, तो वही हम लोग सर्च कर रहे हैं और अभी हम लोग जा ही रहे हैं वहाँ पे ना। तो फूड ट्रक मुझे मिल गया है, और यहाँ पे देखें स्टारबक्स के पास ही है ये, और यहाँ पे पूरा जो मेन्यू है ना वो लगा हुआ है, पूरा फ्रेशली मैंगो से स्मूदीज और शेक्स ये सब तैयार करते हैं। तो अभी हम लोग ऑर्डर करेंगे, अभी हम लोग देखते हैं कि क्या ऑर्डर करने वाले हैं और टेस्ट करते हैं कैसा है क्या है, देन आई शेयर रिव्यू विद यू तो कैसा रहेगा। तो पहले हम ऑर्डर करते हैं, क्या स्पेशलिटी आपके यहाँ की? एक्चुअली वी हैव द मैंगो फ्रेश क्रीम, दिस इज द स्पेशलिटी, एंड ऑल्सो द वी हैव सम स्पेशल दैट्स वेनिला आइसक्रीम चॉकलेट विद अमृत और मैंगो चॉकलेट, वॉट एवर यू लाइक। तो ये और ये दोनों बेस्ट सेलिंग है अभी तक हमारे, और फ्रेश कट मैंगो का भी बहुत लोग ऑर्डर कर रहे हैं। तो हम लोग वी कैन ट्राई वेनिला विद सौरभ, वी कैन ट्राई वेनिला विद मैंगो मैंगो है ना, वी कैन ट्राई दिस। Only mango stuff, no vanilla, nothing. Ice cream में नहीं है। Taste it. चलो नाइस। टेस्ट ट्राई करना, लेट टू ट्राई द फ्रापे। ये फ्रापे फ्रापे स्मूदी के तो हम लोग फ्रापे ट्राई कर रहे हैं, तो टेस्ट करेंगे उसके बाद हम लोग फिर ऑर्डर करेंगे। ये अच्छा है यहाँ पे ना कि आप ट्राई करो और उसके बाद आप टेस्ट कर सकते मतलब ऑर्डर कर सकते हैं ना, ये मुझे अच्छा लगा। यस
बहुत ही अच्छा दिख रहा है वो। थैंक्स। देखने में डिलीशियस लग रहा है। खाने में भी बहुत डिलीशियस है। देखने में बहुत ज्यादा डिलीशियस लग रहा है, आप मुझे बताओ उसमें क्या क्या है। सो इसमें स्कूप ऑफ वनीला अलोंग विद व्हिप क्रीम एंड देन रियल मैंगो चंक्स ऑफ अल्फोंसो मैंगोस एंड अगेन विद क्रीम ऑन द टॉप। ओके, नथिंग इज प्रिजर्वेटिव, नो प्रिजर्वेटिव्स, नो सिरप्स, नथिंग एडिटिंग, एवरीथिंग इज फ्रेश। बट वो देखने में बहुत ज्यादा टेम्पटिंग लग रहा है। इवन द मैंगोस वी राइपन इट नेचुरली यूजिंग द कन्वेंशनल लाइक नो राइपनर्स यूज्ड फॉर राइपनिंग ऑफ मैंगोस। सो मैंगोस का भी स्वीटनेस जो रहता है वो नेचुरली उसमें जनरेट होता है। नहीं, वो फर्स्ट वाला जो ट्राई किया था ना हमने, वो वनीला विद मैंगो, वो बहुत टेस्टी था। अभी हम लोग ये ट्राई करते हैं। थैंक यू सौरभ। हाँ, ट्राई करो। हाँ, देखने में टेम्प्टिंग लग रहा है। करो, वाओ, एंजॉयिंग। हाउ इज दिस? नाइस नाइस। ओ ये जो है ना इनका बेस्ट सेलिंग है और रियली हम लोग को भी बहुत ज्यादा पसंद आया और हमने बताया कि आपका ये बहुत अच्छा था। वो लड़ी काड़ी कौन पास में आपका गाड़ी है। सो जो फूड ट्रक के ओनर थे उनसे हमारी काफी डिटेल में बात हुई। वो एक्चुअली अल्फोंसो जो होता है ना, ओरिजिनल अल्फोंसो, उनके मतलब खुद के गार्डन भी हैं। वो बता रहे थे कि मतलब फ्रेश गार्डन वगैरह, मतलब फ्रेशली जो आम हैं वो बेसिकली पूरा ऐड करते हैं। जो हमने अभी पिया, ट्राई किया ना ये शेक, ओ इट्स रियली नाइस और उनका मतलब बेस्ट सेलिंग भी है ये। अगर आप आसपास रहते हैं ना तो उसको ज़रूर ट्राई करने मतलब आ सकते हैं आप। तो अभी हम लोग जा रहे हैं गोला खाने के लिए। सौरभ ने मेरे लिए ढूंढा है क्योंकि मुझे बहुत टाइम से गोला खाने का मन था और उधर पिंपल्स उधर में कहीं मिल भी नहीं रहा था। तो यहाँ पे मॉर्निंग में थोड़ा टाइम अपने प्लांट्स के साथ स्पेंड करने के बाद मैं आई हूँ किचन में। आजकल थोड़ा हॉलीडेज है ना, तो मेरा जो रूटीन है वो एकदम रिलैक्सिंग वाला ही चल रहा है। थोड़ा आराम से उठती हूँ, फिर वॉक करने के लिए जाते हैं हम तीनों ही, सौरभ मैं और अनवित, फिर आके आराम से मैं मतलब ब्रेकफास्ट वगैरह का करती हूँ।
तो बेसिकली आज ना आलू मेथी के पराठे बनाने वाली हूँ, और सौरभ के बर्थडे पे मैंने आपको मतलब एक पराठा दिखाया था दिल लीव्स का, तो उसमें मुझे एक कमेंट आया था कि ये ग्रीन लीव्स वाला पराठा क्या है, तो वो आप मतलब शेयर करो, थोड़ा टेम्पटिंग लग रहा है। एक्चुअली वो देखने में ही क्या, वो खाने में ही इतना ज़्यादा टेम्पटिंग था, तो इसीलिए मैं आज इसको वापस बना भी रही हूँ। तो मैंने सोचा कि लगे हाथ आप लोगों के साथ जो रेसिपी है ना वो शेयर कर देती हूँ, क्योंकि जो मेथी का पराठा है ना वो मतलब हम आटे में जो मेथी मल के लगाते हैं ना वो एक मेथड है, लेकिन उससे ज़्यादा जो टेस्टी लगता है ना अगर आप ग्रीन वेजिटेबल्स को या कोई भी सब्जी को जो आप उसके अंदर फिलिंग करके बनाते हैं ना वो अल्टीमेट लगता है, अल्टीमेट। तो सौरभ के बर्थडे पे मैंने जो पराठा बनाया था वो मैंने दिल लीव्स का बनाया था सोया का, लेकिन आज मैं जो पराठा बनाने वाली हूँ वो आलू मेथी की सब्जी का बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे मम्मी मतलब मेथी कट करके चले गई थी वो करने के लिए, तो बस यहाँ पे मैंने आलू वगैरह लिए हैं अच्छे से, क्योंकि आलू मेथी का पराठा है ना तो उसमें मतलब आलू थोड़ा अच्छे से जाते हैं ताकि बाइंडिंग अच्छे से हो सके और टेस्ट अच्छे से आए, तो इसमें ये इम्पोर्टेंट होता है। बट आप ज़रूर ट्राई करिएगा, आई मस्ट से कि आपको ना ये मतलब पसंद आने वाला है, और आप और आपके फैमिली के लोग ना इसको एंजॉय करने वाले हैं। मतलब मेरे यहाँ ये अभी बना था सौरभ के बर्थडे पे और तुरंत ही मतलब बन रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ सभी को बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं मतलब फ्रिक्वेंटली बनाती भी हूँ इसको। तो चलिए मैं अभी आपके साथ इसका प्रोसीजर शेयर करती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने कढ़ाई रखी और कढ़ाई में मैंने ऐड किया है मस्टर्ड ऑयल, और जब ऑयल बहुत अच्छे से गर्म हो जाएगा ना मस्टर्ड ऑयल की जो बेसिकली झार बोलते हैं ना वो निकल जाएगी, तब मैं इसमें ना थोड़ा सा ज़ीरा ऐड करूँगी, और इसमें मैंने गार्लिक पाउडर ऐड किया है क्योंकि आजकल मैं थोड़ा गार्लिक पाउडर यूज़ कर रही हूँ, फ्रेश गार्लिक मैं नहीं ला रही हूँ। और ये ऐड करने के बाद मैंने इसमें अनियन ऐड कर दिया, चॉप्ड अनियन, और वो आपकी चॉइस है आप ऐड करें ना करें, अनियन डालेंगे तो अच्छा है टेस्ट आ जाएगा, नहीं तो मतलब ऐसे भी अच्छा लगता है, बट गार्लिक का टेस्ट थोड़ा अच्छा अच्छा लगता है। ये ऐड कर दिया, सब्ज़ी अच्छे मतलब ये अच्छे से भुन गए हमारे जो अनियंस है ना, इसमें जो बेसिक मसाले हैं वो ऐड किए हैं, और अपनी जो सब्ज़ी है ना वो ऐड कर दिया है, सॉल्ट ऐड किया, गरम मसाला ऐड कर दिया, और उसको लो फ्लेम पर कुक होने के लिए रख दिया। तो ये मतलब बहुत अच्छे से इसको कुक करना है सब्ज़ी को, और मीनवाइल यहाँ पे नमक डाल के आटा भी लगा के रख दूंगी। सब्ज़ी और आटा सब रेडी करके मैं सौरभ अनमृत जाएंगे वॉक करने के लिए, फिर आने के बाद मैं बनाऊंगी गर्मा गर्म पराठे। और इस सब्ज़ी को ना मतलब पानी के बिना ही बनाना होता है, और आप प्लेट के ऊपर थोड़ा सा पानी ऐड कर दीजिए तो ताकि आपकी जो सब्ज़ी है वो जले नहीं और मतलब धीमी धीमी आँच पर पकती रहे। आप इसमें थोड़ा सा चाट मसाला और बहुत थोड़ा सा इसमें अमचूर पाउडर ऐड करेंगे तो पराठे का जो टेस्ट है वो और भी अच्छा आएगा। सो बस हम लोग वॉक करके आ गए हैं और मैंने शावर ले लिया है, पूजा भी हो गई है, अब बनाना शुरू करेंगे अपना गर्मा गर्म पराठे। चाय बनने के लिए रख रही हूँ यहाँ पे सभी लोगों के लिए, और चाय में आजकल चाय मसाला ऐड करते हैं एवरेस्ट का तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और यहाँ पे पोटैटो मैशर की हेल्प से ना मतलब सब्जी को बहुत अच्छे से मैश करना है, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी जो आलू की गुठलियाँ हैं ना वो नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि हमने इसको बॉईल करके नहीं बनाया ना, जो हम आलू बॉईल करके बनाते हैं ना आलू पराठा के लिए वो अच्छे से मतलब मैश हो जाते हैं, लेकिन ऐसे बनाते हैं तो थोड़ा सा टाइम लेते हैं, और अगर आप बहुत अच्छे से मैश करेंगे ना तो आपका पराठा मतलब फटेगा नहीं, बहुत अच्छे से मतलब रोल रोल होके बिल जाएगा। तो बस यहाँ पे मसाले वगैरह तो कुछ ऐड करने नहीं है क्योंकि ऑलरेडी सब सब्जी के अंदर है, बट इसका एक जो स्मूथ सा मतलब पेस्ट टाइप है ना वो बनाना है। तो बस यहाँ पे मैं आपको बना के दिखा देती हूँ, छोटा सा पार्ट आटे का लेना है, ज़्यादा सब्जी लेनी है क्योंकि वही पराठा अच्छा लगता है ना, और बस ऐसे ऐसे पराठे को रोल करके सब्जी भर के उसके अंदर पराठे को बहुत ही हल्के हाथ से रोल करना है, टाइटली रोल नहीं करना है वरना जो आपका पराठा है ना वो फट जाएगा। तो बस ऐसे ही क्रिस्पी क्रिस्पी दबा दबा के आपको पराठे को सेकना है, क्योंकि मैं तो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी पराठा खाती हूँ, मुझे एकदम जो कुरकुरा पराठा है ना वो पसंद है, बाकी आप अपने हिसाब से मतलब सेक सकते हैं क्योंकि पराठे वो थोड़ा सा कुरकुरे ही मतलब अच्छे लगते हैं।
अभी शावर वगैरह हो गया है, वो भी वेट कर रहा है, सब लोग आ गए हैं तो सबको बस गरम गरम खिलाऊंगी। और बट ये है कि मस्ट ट्राई है, आप इसको ज़रूर ट्राई करके देखेगा। और कल हम लोग जहाँ पे गए थे औंध में, वो फूड ट्रक में जो उन्होंने शेक सर्व किए थे वो बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। अगर आप आसपास रहते हैं तो आप वहाँ जाके ट्राई करिएगा, आई मस्ट से कि आपको वो पसंद आने वाले हैं, क्योंकि वहाँ पे एकदम फ्रेश अल्फांजो का उन्होंने बनाया था और बहुत अच्छा था। तो चलिए, आई होप कि आपको ये व्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो उसको लाइक किए बिना जाना नहीं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जल्दी ही मिलेंगे आप लोगों से एक न्यू व्लॉग के साथ, तब तक आप रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।